नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गोल्डन गेट पर पुलिस अधिकारियों ने दो युवकों से 1,19,000 रुपए किए बरामद, नहीं दिखा पाए दस्तावेज। जीरा के न्यू तलवंडी रोड पर स्थित एक बिजली की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। अब हलचल विस्तार से। पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब पुलिस जगह जगह आम जनता से अपील कर रही है कि वे 50,000 से ज्यादा कैश ना रखें। अगर इससे ज्यादा कैश ले जा रही हैं तो अपने दस्तावेज जमा करवा दें। अमृतसर के गोल्डन गेट पर पुलिस अधिकारियों को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने 1,19,000 रुपए दो युवाओं से बरामद किए। जब उनसे इस संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वहीं इसके दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिस कारण अब उनका कैश जमा किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है और इनके पास से जो भी नकदी बरामद हुई है उसके बारे में भी उन्हें सूचित किया है और अब उच्च अधिकारियों के साथ उनका मिलान किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने जीरा के न्यू तलबंडी रोड पर स्थित एक बिजली की दुकान को निशाना बनाया और करीब 1.5 लाख रुपए की बैटरियां और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। इस मौके पर दुकान के मालिक जसवंत सिंह और उनके बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह उन्हें किसी का फोन आया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आकर देखा तो शटर टूटा हुआ था और अंदर पड़ा कीमती सामान चोरी हो गया था। उन्होंने कहा कि आसपास लगे कैमरे में कुछ सेकंड का वीडियो है जिसमें एक गाड़ी आती दिखाई दे रही है, जिसमें एक लोहे की रॉड पड़ी हुई है जिससे चोरों ने शटर तोड़ा है। उन्होंने प्रशासन से इन चोरों पर जल्द काबू पाने की मांग की। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। चोरी हुई कैमरे वेख रात टंबा टंबा लगा पा जी इन्होंने टंबे शटर थलो चाके शटर महंगा करता वा कुछ बैटरे सी साडे कोले बैटरे मतलब कि गाहकां दे बैटरे सी साडे नवे बैटरे सी शैल्फा सी जी ओह सारियां लै गए जाके। अमृतसर साउथ हल्के से तलबीर सिंह गिल शिरोमणि अकाली दल पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। तलबीर सिंह गिल ने अमृतसर में कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल के पूर्व विधायक तलबीर सिंह गिल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से उन्हें बहुत ताकत मिली है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तलबीर सिंह गिल का पूरा सम्मान है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आने से हमारी पार्टी को ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और तलबीर गिल के पार्टी में शामिल होने से जहां पार्टी को मजबूती मिली है वहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं तुहानू एक कहना चाहुंदा सी, दसना चाहुंदा सी, वैसे तुसी कल शाम तो सोशल मीडिया दे उत्ते सारा देखिया, साडी पार्टी आम आदमी पार्टी बीते कल
पंजाब पूरे पंजाब पार्टी को बड़ी मजबूती मिली। जो श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही सीनियर लीडर अमृतसर के माझे दे मैं तो पूरे पंजाब तलवीर जी ने काम किया पर अमृतसर माझे तो इन्हों का सारे लोग आप जानते और ये सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी के बड़े नेड़े साथी भी रहे हैं उन्होंने नाल इन्होंने काम किया। सो इन्होंने कल आम आदमी पार्टी शामिल होने का ऐलान किया और साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इन्हों चंडीगढ़ अपने घर जरा कल पार्टी के शामिल कराया। मैं अमृतसर वालों पूरे अमृतसर की पार्टी वालों क्योंकि आप इस वेले इलेक्शन लड़ रहे सारा जिला साडा पार्टी वाले साथी इलेक्शन लड़ रहे तलवीर होना तो उन्हें नाल साड़ी जी इलेक्शन है वो समझ लो कि असी जित ली असी लोग सभा हलका अमृतसर इन्हों लैके इन्हों की अगवाई दे विच बहुत बड़ी लीड दे नाल जितांगे। तो जे अज उन्होंने अलविदा कहता जिन्ना चिर उन्होंने रहे हैं रहे हैं जे अज उन्होंने अलविदा कह के हम धारीवाल साहब के नाल आ गए मान साहब के नाल आ गए आम आदमी च आ गए हूँ तगड़े हो के जिस तरह उधर श्रोमणी अकाली दल के मेहनत की उस तरीके दे नाल तगड़े हो के धारीवाल साहब नूं जितावांगे और गुरु कृपा करे उस दिन दूर नहीं जिद धारीवाल साहब की जी वी जित प्राप्त होगी। छड़न का कारण वेखो ताडे सारे के सामने ही है कि एक बंदे पार्टी के इज्जत मान चाहिए जे बंदा मेहनत करने वाला तुम सारे लोकल ही हो तुम सारे लोकल ही हो तुम सारे पता कि मैं किन्ना काम करदा तुम सारे पता वा। वेखो छड़न का कारण यही है कि जिहड़ा बंदा सवेर तो लैके शामा तक पार्टी लिए काम करे उहदा फोन भी ना चुकया जाए पंद्रह पंद्रह दिन फोन ना चुकया जाए मेरी गलती की ही। AIPL GPL का 13वां सत्र अब अपने अंतिम चरण पर आ गया है जिसके सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुके हैं। पहला सेमीफाइनल जिम वॉरियर्स बनाम बूचर्स बैटल के बीच खेला गया जिसमें जिम वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 168 रन बनाए तो वहीं बूचर्स बैटल की टीम 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 156 रन ही बना पाई और जिम वॉरियर्स ने पहला सेमीफाइनल ओपन कैटेगरी में 12 रन से जीत लिया। इस अवसर पर जिमखाना क्लब के जूनियर उपाध्यक्ष अमित कुरेजा सचिव संदीप बहल संयुक्त सचिव अनुमता सौरभ खुल्लर नितिन बहल जजजीत सिंह कंबोज राजीव बंसल जगजीत सिंह पप्पू शालिनी कालरा विनी शर्मा शालिनी जोशी प्रोफेसर विपिन झांजी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सौरभ खुल्लरा जी ट्रेनर हाँ जिमखाना क्लब का जी अज साढ़े दो सैमीफाइनल है उस डिपेंडेंट का मैच है जी फाइनल तो कल साढ़े दो फाइनल है 40+ कैटेगरी का तो ओपन कैटेगरी का जिन्हों दोनों में सैमीफाइनल जो जीती हुई टीम उन्हों का फाइनल का मैच कल होगा जी। हाँ जी थैंक यू। आई एम अनु माटा जॉइंट सेक्रेटरी जलंधर जिमखाना क्लब। हमारे यहाँ पे GPL चल रहा है एंड टुडे इज़ द सेमीफाइनल डे। GPL जो 13 GPL है 13 ईयर से चल रहा है एंड पीपल मेम्बर्स बहुत इंजॉय करते हैं इसको। आज बैटल हॉक्स और जिम वॉरियर्स में सेमीफाइनल है एंड प्रेजेंटेशन डे और यहाँ पे डिपेंडेंट्स की टीम खेल चुकी है। डिपेंडेंट होते हैं +40 एंड अंडर 14 और ओपन कैटेगरी चार कैटेगरीज खेलती हैं और अराउंड 17-18 टीम्स होती हैं। काफ़ी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें बच्चे भी +40 भी सीनियर सिटीजन भी सब इंजॉय करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट है जिमखाना क्लब का जो सब वेट करते हैं एवरी ईयर ये अप्रैल मई के बीच में होता है तो इट्स रियली इंजॉयबल। और आप सब भी आओ नेक्स्ट टाइम या इस बार एक दिन है आओ देखो सब पहुँचो। हाँ जी मैं कलबीर सिंह बेदी एशो एडवाइस प्रेजिडेंट एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड AIPL रियल एस्टेट कंपनी तो असी जिमखाना क्लब के असी GPL जिमखाना प्रीमियर लीग T10 क्रिकेट में स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये जरा पिछले 13 साल तो जिमखाना देवेंट करवाया जा रहा है तो बहुत ही सक्सैसफुल है
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਏ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮਖਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ 2024 ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮੁਕੰਦਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕਿੰਗ ਸਰਕਲ ਮੁੰਬਈ ਮੇਂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਗ੍ਰਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਅਥਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੋਂ ਕੀ ਟੂਟੀ ਉਮੀਦੋਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋ 2024 ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਵਮ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਾਕਾਰੋਂ, ਗਾਇਕੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਸੇਵਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤੋਂ ਕੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ NGO ਕੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕਾ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ 11 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਏ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਖਾਏ ਖੋਲ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੋਂ ਕੋ ਸੇਵਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅਬ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਸੇਵਾਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਦਾਨਦਾਤਾ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਕੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਕੀ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਧੇ ਸੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭੀ ਕੋ ਬਧਾਈ ਦੀ ਔਰ ਸਭੀ ਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੇ ਆਗੇ ਬਢਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਮੇਂ ਆਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਹਿਲਾਓਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਲਸ਼ ਰੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਉਪ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁਭਾਸ਼ ਤਨੇਜਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਵਰਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਆਮਲਤਾ, ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸੰਗੀਤਾ, ਵੀਣਾ ਅਰੋੜਾ, ਪਿੰਕੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਾਂਤਾ, ਪ੍ਰਵੀਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਅ ਭਕਤਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਦਿਵਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਮੰਗਲ ਮੇਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਭ੍ਰਮਣ ਮੇਂ ਸਭੀ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦਾਰਿਦ੍ਰਤਾ, ਸਭੀ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ੋਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਦਿਵਯ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਜ ਦਿਵਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਗਲਮੇ ਕਥਾਓਂ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਿਆ ਹਮ ਸਭੀ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ। ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਅਧਿਕ ਸੇ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਆਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਨਿਆ ਬਣਾਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮੰਗਲਮੇ ਕਥਾ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇ, ਧਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਮਸਤ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ, ਸਮਸਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸਭਸੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮੰਗਲਮੇ ਕਥਾ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸਮਸਤ ਮਹਿਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਯਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਆਮੰਤ੍ਰਣ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਦਿਵਯ ਕਥਾ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਨਿਆ ਬਣਾਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਓਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰੋ ਉਚਾਰਣ ਸੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੋ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਸਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕਰ ਵਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
एवं हवन यज्ञ किया गया। मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की सुनीता सहजपाल, राज रानी, प्रेम बीना, शकुंतला, अनुघई, सोनू मदन, वीणा एवं ऋतु शर्मा सभी महिलाओं ने संकीर्तन कर सभी को मूर्ति स्थापना दिवस की बधाई दी और संकीर्तन किया। इसके बाद शाम को साई संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध साई भजन गायक मुकेश इनायत एंड पार्टी ने साई बाबा जी की महिमा का गुणगान किया। श्री शिरडी साई मंदिर कमेटी के प्रधान सुनील नैयर ने कहा कि ये जो भी मंदिर में धार्मिक समारोह हो रहे हैं, ये सब इलाका वासियों के सहयोग से और मंदिर कमेटी के समूह प्रयासों से हो रहे हैं। इस मूर्ति स्थापना दिवस में पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब उपप्रधान केडी भंडारी, श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार रमन शर्मा, प्रसिद्ध समाज सेवक महेश मखीजा, राहुल बाहरी, सीनियर युवा भाजपा नेता राजेश ठाकुर मोंटी एवं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता घनश्याम अरोड़ा बंटी सहित शहर के और भी गणमान्यों ने विशेष तौर पर शिरकत की, बाबा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और मंदिर कमेटी के प्रधान एवं समूह कमेटी सदस्यों की ओर से आए हुए सभी बाबा जी के भक्तों को चुनरी एवं सरोपा देकर इस दौरान सम्मानित किया गया और प्रसाद रूपी लंगर सभी भक्तों में वितरित किया गया। इस समारोह में जय माता चिंतपूर्णी सेवा समिति की ओर से जोड़ा की सेवा की गई एवं मथुरा नगर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग मिला। इस मौके पर प्रधान सुनील नैयर, चेयरमैन विकास शर्मा, महासचिव सतीश महाजन, कैशियर नरेंद्र वर्मा, महेश सनन, महेश मखीजा, राहुल बाहरी, दविंदर घई, अभिमन्यु घई, तीर्थराम, के वर्मा, मोहिंदर प्रभाकर टोनी, टोनी मदान, विकास शर्मा विक्की सहित सभी बाबा जी के भक्त मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जरूर होवा मेरे साईं जी, कदे ऐडा दा मौका जिंदगी च ना आवे, ओ पल ना दिखावी मैं तेथों दूर होवा, दुनिया विच ना चूर होवा, मन जावे गलती मैं प्यार दी खातिर तेरा ते मेरा प्यार एडा दा होना चाहिदा, मन जा जिंदगी दे विच कारोबार दा नुकसान हो जावे कोई चक्कर नहीं, चंगा दोस्त चंगा मित्र हथों जिंदगी च जाना नहीं चाहिदा, चंगा दरबार चंगा मंदिर चंगी संगत ये हथों जानी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो लग गया फिर दोबारा आ जाता है, कोई एडी गल नहीं है, पर चंगे यार दोस्त सज्जन मित्र चंगे दरबार एक बार लग जाने जिन्होंने कमाना बहुत औखा होता, तो सारे जाने जी आस मेरे साई जी है, जिदा विश्वास मेरे साई जी है, जिदा दिन रात मेरे साई जी है, जिदे औखे वेले साई जी कम आउंदे ने ओ मेरे मार्गां नूं कहंदे असादाई इको तेरे ते ही आस, असादाई इको तेरे ते ही आस, रखे ओ सवाल साई जी, असादाई इको तेरे ते ही आस, रखे ओ सवाल साई जी, असादाई इको I'm sorry.
ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਮਾ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਰਮਾ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਏ ਸੌਖਾ ਰਮਾ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾ ਏ ਸੌਖਾ ਰਮਾ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਕਸਤਾ ਬੰਦਾ ਚਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲਾ ਓ ਛਤਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਲਾ ਤੂੰ ਕੋਲਾ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक मां झंडे वाली सेवा मंडल दिल्ली वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भरत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के गोल्डन गेट पर पुलिस अधिकारियों ने दो युवकों से 1,19,000 रुपए किए बरामद, नहीं दिखा पाए दस्तावेज। जीरा के न्यू तलवंडी रोड पर स्थित एक बिजली की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।